गाइस आई स्वेयर इतना टेस्टी बना, अभी बना के देखना एक बार घर में, बहुत इजी बनाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरफ ब्लॉग। सो अच्छा एक बात बताओ कि ढाबे की रोटी किस चीज़ को पसंद है? मैं वो रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबे की बात नहीं कर रहा, मैं ऑथेंटिक ढाबे की बात कर रहा हूँ जहाँ मंजिए वाले लगी होती है। वैसे तो वो बहुत कम बचे हैं, बट फिर भी आजकल पंजाब में है थोड़े बहुत बचे हैं। सो मेरे को तो बहुत पसंद है। मैं जब भी दिल्ली से बाहर आता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं घर से कुछ खा के ना जाऊँ, क्योंकि मेरे को ढाबे की दाल मखनी, शाही पनीर, बटर चिकन, बटर मसाला, कढ़ाई चिकन वगैरह खाने का बहुत मज़ा आता है। तो आज मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, आज आपके लिए बनाता हूँ मैं ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन। सो गाइस, हमें ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन माने चाहिए चिकन। यहाँ मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है। यहाँ मैंने मिर्चें ली हैं, मैंने दो टाइप की मिर्चें ली हैं, एक है तीखी मिर्च और एक है कश्मीरी लाल मिर्च। मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाता इसलिए मैंने कम डाला है। एक चम्मच मैंने लिया है ये कश्मीरी लाल मिर्च, आप अपने हिसाब से तीखा डाल सकते हो। यहाँ मैंने लिए धनिया पाउडर एक चम्मच, यहाँ मैंने लिया है एक चम्मच नमक और स्वाद अनुसार एक चम्मच हल्दी, यहाँ मैंने 3 से 4 टमाटर की प्यूरी ली है, एक कटोरी क्रीम की हमने लिया है, यहाँ पर एक चम्मच कसूरी मेथी, यहाँ पर हमने लिए थोड़े से लहसुन कट, ये हमने काट लिए, एक हमें चाहिए थोड़ी सी अदरक, ये हमने पत्ती पत्ती लंबी लंबी काट ली है, हमें चाहिए एक मक्खन की टिक्की, एक चम्मच हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, और हमें चाहिए 4 से 5 प्याज कटे हुए, और एक गिलास से आधा कम पानी डालने के लिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बनाना ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन। मेरे लिए यहाँ पर कढ़ाई, अब हम इसमें डालेंगे मक्खन की टिक्की पूरी, तो इसको मेल्ट होने देंगे। हमारा मक्खन यहाँ ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। साथ में हम डाल देंगे इसके अदरक, साथ में हम डालेंगे लहसुन, अब इसको भूनेंगे। तो गाइस, हमारा मसाला थोड़ा सा भून चुका है यहाँ पर, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट और इसको होस्ट करेंगे थोड़ा सा। तो गाइस, हमारा मसाला यहाँ पर पक चुका है, ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे आधा गिलास पानी। और सीधा डाल देंगे हम चिकन। और इसको मिलाएंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। पहले हम डालेंगे लाल मिर्च, साथ में डालेंगे धनिया पाउडर, में डालेंगे नमक और हल्दी, साथ में हम डालेंगे टमाटर प्यूरी, अच्छा वन मोर थिंग, इसमें हम साथ में धनिया भी डाल देंगे और जो कसूरी मेथी है वो भी डाल देंगे।
इसे कर देंगे हम मिक्स अच्छी तरह। और इसको अब हम 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। सो गाइज, हमें चिकन को पकाते 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, ये अभी भी अच्छी तरह पका नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डालने से पानी। पहले लुक एट द कलर गाइज, अभी ये अच्छी तरह पका नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे एक गिलास पानी और। इसको करेंगे हम अच्छी तरह मिक्स। और अब इसको पकाएंगे कम से कम 10 मिनट और लो फ्लेम पे। और ढक के पकाएंगे। सो गाइज, हमारे चिकन में पकते हुए 8-10 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और अब इसको हम सिर्फ 4-5 मिनट और पकाएंगे और हमारा ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन रेडी है। सो गाइस, हमारे चिकन को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, डालेंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला। मैं उसे बताना भूल गया था, मगर बाद में को याद आया तो मैंने आपको बता दिया कि 1 चम्मच गरम मसाला। इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह। अब हम करेंगे गैस को बंद, इसकी करेंगे प्लेटनिंग और फिर टेस्ट करके देखें कैसा बना है। लुक एट द कलर गाइज। सो गाइज, फाइनली हमारी प्लेटनिंग हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले मैंने इसको किसके साथ सर्व किया है। मैंने इसे सर्व किया है विद बटर नान, होममेड बटर नान। साथ में है धनिया पुदीने की दही वाली चटनी, साथ में है कढ़ाई पनीर ढाबा स्टाइल और है ये सिरके वाला प्याज। अब खाते हैं इसे, टेस्ट के बताते हैं कैसा बना है। मैं लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा नान, यहाँ से लेता हूँ कढ़ाई चिकन और साथ में लेता हूँ थोड़ा सा प्याज। गाइस, आई स्वेयर इतना टेस्टी बना, अभी बना के देखना एक बार घर में, बहुत इजी बनाना। जाने से पहले आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये चिकन बनाओगे तो फ्रेश चिकन लेके आना, फ्रोजन चिकन मत लेके आना, क्योंकि फ्रेश चिकन एक बार धुलेगा और सीधा जाएगा कढ़ाई में। इसके सारे जितने बेनिफिट हैं वो कढ़ाई में इंटैक्ट रहेंगे, सारे जो इसके प्रोटीन है सारे इसी में रहेंगे। सो गाइज, कमेंट आप भी बनाना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा बना है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। सो सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग गाइज, बाय बाय।